Hello students, so today I am going to teach about the session 6 pronunciation rules. Okay, in this chapter we teach about pronunciation rules. Okay, now starts the sound in English language. The sound in English language comes from vowel, consonant and diphthongs. Okay, the letter sound of a, e, I, o, u, you know, this is a vowel, are vowels. Okay, the vowels are also something y and w. okay, sometimes jo hai Y और W भी जो है वोवेल्स हो जाता है. ओके, एंड डिपथोंग्स. डिपथोंग्स क्या है? व्हाट इज डिपथोंग्स? लिसन केयरफुली. आर कम्बिनेशन साउंड ऑफ टू वोवेल्स. ओके, टू वोवेल के कम्बिनेशन से जो साउंड आता है उसे जो है हम क्या बोलते हैं? डिपथोंग्स बोलते हैं. ओके, ओ आई, ओ, ओ ए, ओ, ओ, ओ. ओके, ओ आई कम्बिनेशन का जो साउंड आएगा, ओ वाई कम्बिनेशन का जो साउंड आएगा, ओ यू, ओ डब्लू, ए यू, ए डब्लू, डबल ओ. ओके, इनका जो साउंड आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिपथोंग्स. ओके, एंड मेनी अदर लेटर्स आर कंसोनेंट. दे आर कंसोनेंट्स. और जो लेटर्स हैं वो कंसोनेंट होते हैं वोवेल के अलावा, आप जानते हो. लाइक दिस बी सी डी एफ जी, यहाँ पूरा ये जो आपका वोवेल है. ओके, प्रोनंसिएशन रूल्स आर. नाउ हम प्रोनंसिएशन रूल्स पढ़ेंगे. रूल्स फर्स्ट, एवरी सिलेबल इन एवरी वर्ड मस्ट हैव अ वोवेल. English is a vocal language. Every and must have a vowel. अब देखिए, मतलब कह रहा है कि every syllable and every word में vowel होना must होता है. Okay? जैसे English देखिए, English लिखा हुआ, English में vowel है, I है. Okay? वैसे ही बहुत से words होते हैं जिसमें कि vowel include होता है. एंड सेकेंड रूल्स, ओके, सी फॉलोड बाई ई आई और वाई. सी किसको फॉलोड करता है? ई आई और वाई. यूजली हैज द सॉफ्ट साउंड ऑफ एस. एग्जाम्पल, किस्ट, सेंट्रल एंड सिटी. सी जो है, सी में एस का साउंड आता है. ओके, और ये किसको फॉलो करता है? ई आई और वाई को. मतलब सी के बाद जो है ज़्यादातर ई आता है, आई आता है और वाई आता है. ओके, जैसे यहाँ देखिए, क्राइस्ट, सेंट्रल एंड सिटी. आई सब में देखिए सी के आफ्टर जो है आपका आई है, ई है, वाई है, तो ऐसे मस्ट होता है कि आता ही है. एंड थर्ड रूल्स, जी. अब जी के बारे में देखते हैं क्या है. फॉलोड बाई ई आई और वाई. ये भी किसको फॉलो करता है? ई आई और वाई को. यूजली हैज़ अ सॉफ्ट साउंड जे. जी में सॉफ्ट साउंड किसका आता है? जे का. जब हम जी बोलते हैं तो जे की तरह साउंड आता है इसमें. जैसे एग्जाम्पल, जेम, जीम, जिस्ट. आया आपका? और आप इसी में जो जी के बाद जो है ई आई और वाई लगा है. मतलब कभी कभी जो है जी वर्ड जो है, जी वर्ड को हम जे जो है पढ़ते हैं. ओके, वैसे सी को, सी को भी हम, जब सी के वर्ड में एस का साउंड आता है, वैसे जी के साउंड में किसका वर्ड आ रहा है? जे का.
ओके एंड फोर्थ रूल, फोर्थ, व्हेन टू कॉन्सोनेंट आर ज्वाइन टुगेदर, जब टू कॉन्सोनेंट ज्वाइन होते हैं टुगेदर एक साथ, एंड फ्रॉम वन न्यू साउंड, तो नया साउंड निकलता है. दो कॉन्सोनेंट एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो नया साउंड निकलता है. दे आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट डिग्राफ, ठीक है, डिग्राफ. द काउंट एज वन साउंड एंड वन लेटर एंड आर नेवर सेपरेटेड. अब इसमें हम क्या करेंगे कि वन साउंड अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम वन साउंड एंड वन लेटर को सेपरेट कर दे, नो, है ना, हम एक साथ पढ़ेंगे. सी एच एस एच च स थ प फ व, है ना, दो जब हम मिलाएंगे तो अलग साउंड आएगा. ऐसे सी था, एच अलग है, एस, लेकिन एच अलग है, लेकिन एस और एच एक साथ अगर बोलेंगे तो श हो जाएगा. ओके, वैसे ही जो है इसको जब एक साथ हम कम्बिनेशन कंबाइन करके बोलेंगे, ज्वाइन करके बोलेंगे, तो साउंड क्या होगा, डिफरेंट होगा. एंड नेक्स्ट रूल, रूल फाइव, व्हेन अ सिंबल, सॉरी, व्हेन अ सिलेबल एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड हैज़ ओनली वन वॉवेल, दैट वॉवेल इज शॉर्ट. कॉन्सोनेंट में अगर वन वॉवेल आता है तो देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फैट, बेट, फिश, स्पॉट, लक. ओके, वन वॉवेल वाला आपको कुछ वर्ड्स बता रहा है एग्जाम्पल में कि कॉन्सोनेंट के साथ वन वॉवेल आता है तो कैसे हम उसको पढ़ेंगे. एंड सिक्स रूल्स क्या है, व्हेन अ सिलेबल एंड्स इन अ साइलेंट, ई द साइलेंट ई इज अ सिग्नल दैट द वॉवेल इन फ्रंट ऑफ इट इज लॉन्ग. एग्जाम्पल, ई जो आ रहा है यहाँ पे कभी कभी वो साइलेंट हो जाता है. ओके, इसका ई का साउंड नहीं आता लेकिन हम उसे लिखते हैं. जैसे देखिए मेक, मेक नहीं आया, मेक क तक रुक गया, ई का साउंड नहीं आया, ई हमारा क्या हो गया, साइलेंट हो गया. जेन, ई इसमें भी साइलेंट हो गया. काइट, काइट में देखिए के आई टी, काइट ऐसे हो जाता, ट तक आ रहा है, टी आ रहा है लास्ट में, बट फिर भी इसमें क्या लगा, ई, तो ये क्या है, साइलेंट है. जिसका साउंड नहीं आ रहा है, है ना, जिसका साउंड नहीं आ रहा है वो साइलेंट हो गया. रोप एंड यूज, इन सब में क्या है, ई का साइन, ई जो सिंबल, ई जो हमारा वोवेल्स है उसका साउंड नहीं आ रहा, वो साइलेंट है. तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आपने एग्जांपल में देखा. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है व्हेन अ सिलेबल हैज़ टू वोवेल्स. ओके, टू वोवेल्स साथ में होंगे टुगेदर. द फर्स्ट वोवेल इज़ यूजुअली लॉन्ग एंड द सेकेंड इज साइलेंट. फर्स्ट वोवेल लॉन्ग होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, लेकिन सेकेंड वाला साइलेंट होगा. तो देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड हम एग्जाम्पल्स में. पेन, देखिए पेन है ना, ए को हम खींच रहे हैं, आई को, कोई आई में आई नहीं रहा, वहाँ पे आई का साइन वर्ड ही नहीं आ रहा है, मतलब साउंड नहीं आ रहा है. पेन, ईट, ईट है ना, ई को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ईट, ए नहीं आ रहा है उसमें, लेकिन ए लिखेंगे हम, राइट करेंगे. बोट, तो बोट है, बी ओ टी, बोट, लेकिन उसमें फिर भी हम ए को राइट करेंगे. वैसे रेस, क्यू, से, ग्रो. ओके, नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर एट, व्हेन अ वॉवेल इज फॉलोड बाय एन आर. ओके, आर को हम देखते हैं, इज द सेम सिलेबल दैट वॉवेल इज आर कंट्रोल्ड, इट इज़ नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट. आर कंट्रोल ई आर, आई आर एंड यू आर ऑफन साउंड द सेम. ई आर, आई आर, यू आर का साउंड क्या होगा, सेम होगा. लाइक ई आर, एग्जाम्पल देखते हैं, टर्म, सर, फर, फर, फोर,
घर और डर है ना, सेम सिमिलर आ रहा है। सम में ई भी है तो भी टर्म पढ़ रहे हैं, आई है एस आई आर है सर पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे करके हम ई आर आई आर यू आर का साउंड एक जैसा निकल रहा है इसमें। एंड नेक्स्ट है रूल्स नंबर 9। वाई इज प्रनंस आइदर एज ए आई और आई, ओके। वाई इज प्रोनाउंस आइदर एज ए आई और आई इन अ वन सिलेबल वर्ड। वाई इज प्रोनाउंस्ड एज ए आई, वाई का कभी कभी हमें ए आई पढ़ते हैं, ओके। माई देखो, माई है ना, माई में ए आई की तरह आ रहा है, माई एम ए आई माई, लेकिन हम ए आई नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं। बाई, फ्लाई, साई, ट्राई, क्राई, फ्राई, स्काई, सब में क्या आ रहा है, ए आई आ रहा है फर्स्ट लेटर के बाद, बट हम इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, वाई, ओके। इन अ टू सिलेबल वर्ड वाई इज प्रोनाउंस्ड एज आई। देखिए टू सिनोनिम्स अगर होगा, टू सिलेबल्स हैं, कहीं कहीं टू वर्ड होते हैं लेकिन हम उसमें आई पढ़ते हैं, पार्टी, पप्पी, कैंडी, बनी, है ना। देखिए हर जगह डबल पी और डबल एन ऐसे करके है ना कई जगह, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेम वो पार्टी वैसे पप्पी, पप्पी, कैंडी, बनी, फनी, पोनी, है ना, सिमिलर साउंड आ रहा है। एंड नेक्स्ट आपका है सी प्रोनंसिएशन रूल। सी का देखिए, सी इज प्रोनंस्ड आइदर एज एस और के, सिटी, सिटी, ओके, कंट्री। देखिए के का आ गया ना, सी को सी पढ़े यहाँ पे सिटी, और जस्ट उसके बाद कंट्री, सी से ही क्या आ रहा, क निकल रहा है तो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए साइडर, ठीक है, सी से है, सर्कल, सी से है। नेक्स्ट आपका व्हेन सी इज फॉलो बाय ई, सी ई को फॉलो करता है वाई को फॉलो करता है, ओके। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है, एस, सेंट, सेल, ओके। सी के बाद ई आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और इसका प्रोनाउंसिएशन एस निकल रहा है, सेल, सी नहीं निकल रहा, एस, सेलर, सेंटर, आइस, स आ रहा है ना, क्रिस्टल। देखिए यहाँ पे सी का जो क्रिस्टल में, सॉरी क्रिस्टल नहीं है, साइकिल है, साइक्लॉन, सेप्रेस, ओके। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्हेन सी इज फॉलो बाय ओ, और सी और किसको फॉलो करता है, ओ यू ए, ओ यू ए को फॉलो करता है। इसका प्रोनंसिएशन, उसका साउंड क्या आता है, के आता है, कंट्री, कोल्ड, कप, कैट, कैप, कपल, कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट आपका जी, जी प्रोनंसिएशन रूल्स क्या है, जी फॉलो बाय ई आई वाई, जी किसको फॉलो करता है, ई आई और वाई को। इसका प्रोनंसिएशन क्या है, जी और ई, नहीं इसका प्रोनंसिएशन आई थिंक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, ओके। जेम, गेन, गॉर्ज, ओके। व्हेन जी इज फॉलो बाय यू और ए, जी किसको फॉलो करता है, यू और ए को, ओके। गम, गन, कैप, गैप, गैस, गार्डन। प्रोनंसिएशन ऑफ वॉवेल लेटर रूल 12। वॉवेल लेटर का देखिए प्रोनंसिएशन, लॉन्ग ए एंड शॉर्ट ए, ए का देखेंगे हम, लॉन्ग ए और शॉर्ट ए, कैप, कैप, दोनों देखिए कैप ही कैप है लेकिन इसमें ई लगा हुआ है एक में। एट कैट, बैट, हैट, रैट, फैट, शैट, एड, शैड, हैड, बैड, मैट, इन सब में क्या है,
ए लगा हुआ है, ओके एक प्रोनंसिएशन है। कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है, मतलब किसी को खींचना पड़ रहा है हमें और किसी को झटके में बोलना पड़ रहा है। जैसे नेक्स्ट, इफ़ ई इज़ द इंड इज वर्ड, ए इज़ प्रोनंसिएशन लॉन्ग वॉवेल। ई में देखिए क्या है, ए वर्ड के साथ अगर है तो लॉन्ग वॉवेल होगा, गेट है ना, गेट, टेक, रेक, बेस, रेस, फेस। देखिए एफ के बाद ए को जो हम क्या कर रहे हैं, ए वर्ड को क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, फेस, वेव, केज, ओके। एंड नेक्स्ट आपका, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड आई, इज प्रोनंस्ड एज अ लॉन्ग वॉवेल। इसमें भी वॉवेल को लॉन्ग खींचा जाएगा, काइट, बाइक, वाइन, राइड, डाइम, ओके। एंड नेक्स्ट है, इफ ई इज अ एट द एंड ऑफ द वॉवेल, ओ इज प्रोनंस्ड एज द लॉन्ग वॉवेल। ई का वर्ड क्या, ई के साथ क्या आएगा, ओ आएगा, ओके। रोज, होप, पोल, ये ना लॉन्ग वॉवेल है, खींच के करेंगे। इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड यू, अगर ई के साथ ई इंड लास्ट में है और यू आता है उसके साथ, तो प्रोनंसिएशन क्या करेंगे, लॉन्ग वॉवेलों का, ट्यून, क्यूब, क्यूट, ओके। ये क्या है, लॉन्ग वॉवेल है। एंड नेक्स्ट, लॉन्ग आई एंड शॉर्ट आई, लॉन्ग आई और शॉर्ट आई। देखिए आई डी, लीड, कीड, डिड, बिड, आई जी, पिग, रिग, बिग, डिग, विग, वैसे ही है, और भी एग्जांपल्स। एंड नेक्स्ट आपका लॉन्ग ओ एंड शॉर्ट ओ, लॉन्ग ओ शॉर्ट ओ, ओज, डॉग, लॉग, फॉग, जॉग, हॉग, ओ पॉप, हॉप, टॉप, मॉप, ओके। शॉर्ट और लॉन्ग बोथ, ओके, लॉन्ग यू एंड शॉर्ट यू। उट नट कट, हट नट, अप कप, पुट कप, पप, है ना, कुछ कुछ, किसी के साउंड जो है शॉर्ट वे में हो रहा है, किसी का साउंड जो है लॉन्ग वे में हो रहा है। एंड 13 क्या है, समटाइम्स द रूल्स डोंट वर्क, कभी कभी जो है रूल्स वर्क नहीं करता है। 13 रूल्स बता रहा है कि जो भी रूल्स हम पढ़े हैं कभी कभी वो वर्क नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं भी होता है कभी कभी, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड।